सो गुड मॉर्निंग्स माय फ्रेंड्स माय फैमिली, वेलकम है आपको मेरे ब्लॉग में आरजे राइडर क्लब। सो फैमिली, आज हम जा रहे हैं इको पार्क, वहाँ पे मतलब बनाने के लिए वीडियोस की। वहाँ के क्या मतलब वैसे वीडियोस में बनाया हूँ, लेकिन आज सोच रहा हूँ फनी वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैंने अपना एक नया माइक परचेस किया था, उस माइक से आज वीडियो बनाता हूँ, देखता हूँ उसका साउंड कैसा है। और मैं अपने इस ये वाले धरनों से नहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे इको पार्क पे चोरी का रेट मतलब बहुत है, चोरी बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस वजह से आज मैं अपना दूसरा धनो बड़ी धनों से जाएंगे, ये वाला, ये बड़ी धनों से जाएंगे। और वहाँ जाते हैं तो फिर आपको कंटिन्यू ब्लॉग करते हैं फ्रेंड्स। और आज का मौसम भी देख ही रहे हो, देख लो कितना ठंडा है। रात में बारिश होने के कारण बारिश का हुआ था, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ था, तो हम सोच रहे चलो भाई आज थोड़ा सा मतलब वहाँ इको पार्क चला जाए। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चलते हैं इको पार्क, ठीक है? वहाँ जाकर हम आपको कंटिन्यू ब्लॉग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? ए फ्यू मिनट्स लेटर। सो फ्रेंड्स, हम घर से निकल कर बीएमपी के पास आ गए हैं, बीएमपी में आ गए हैं। और यहाँ से सीधे जाकर अभी इको पार्क का रास्ता कम से कम 15-20 मिनट की दूरी पे है। यहाँ से फिर निकलेंगे तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बीएमपी का है व्यूज़, जो हम आपको कई सारे वीडियोस में दिखा चुके हैं। 2000 years later। तो फाइनली बिलिंग ले लिए हैं फ्रेंड्स, ये रहा मेरा बिलिंग, और चलेंगे इसको हम गार्ड भैया के पास कटवाने। ये 5 रुपये का बिल फाड़ देंगे, खत्म हो गया 5 रुपया। ये रहा गार्ड भैया, ठीक है, वीडियो नहीं होगा। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? बिलिंग के बाद एंट्री में मछली मिलती है, मछली को बत्तख खाली देखो ना, उतर के देखो, जब बढ़िया से देखो, देखो ये देखो क्या खाता है, देखो देखो मछली, आए अब बिस्कुट खाता है गुंजक। सो फ्रेंड्स, हम लोग एंट्री कर गए हैं और मछली के बाद हम लोग आगे जा रहे हैं स्लोली स्लोली। और देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ देख लो। A few minutes later. So friends, वहाँ से टहलते टहलते काफ़ी थक गए हैं, तो हम यहाँ आ गए हैं बैठने के लिए। यहाँ बैठने वाला स्पेस है, बहुत सब बैठने वाले को बनाया गया हुआ है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखिए कहाँ पे आप बैठ सकते हैं, आप ये लोकेशन आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? यहाँ बहुत लोग आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, और एक्सरसाइज कर रनिंग करने आते हैं लोग, और उसी वजह से पैर बहुत दर्द करने लगा। बहुत उतना दूर से आना यहाँ पर काफ़ी हो जाता है, साइकिल से आना थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी आगे जाते हैं तो हम आपको आगे का व्यूज़ दिखाते हैं। आगे पानी है, फिर एक्सरसाइज जिम है, फिर लंच बॉक्स का एक महल है, आपको दिखाएंगे पिछले ब्लॉग में, थोड़ा सा व्यूज़ दिए होंगे आपको, और वही है। सो कुछ कुछ लोग को पकड़ते हैं, बोलते हैं भाई कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, पूछे देखते हैं। ऐसे तो कोई ब्लॉग में हम नहीं किए हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और रहा बात लोग का, तो उन लोग को हम देख ही रहे हैं। मैं फ्रेंड्स लोग भी आज आया नहीं, बोला कि आएंगे आएंगे, पता नहीं, सब आलस है, सब आलसी, सब सोया हुआ है। सो चलते हैं आगे, आगे चलते हैं तो आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? 2000 years later. बच्चे लोग से कुछ पूछताछ करते हैं। चलिए इस वाले फील्ड में देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस वाले फील्ड में चलते हैं,
फैमिली साथ आइए फ्रेंड्स, बहुत मजा आता है। देखिए बच्चे लोग को कबड्डी, ये देखो कबड्डी स्टार्ट हो गया है। लोग प्रो प्लेयर से भी बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं। ओहो आउट हो गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ बच्चे लोग मिल गए हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं जो कबड्डी खेल रहे थे। इसके बारे में कुछ पूछते हैं, ठीक है? बता भाई, तुम्हारा नाम क्या है छोटू? मेरा नाम साहिल कुमार है। कहाँ रहने वाले हो? जक्कनपुर पटना। अच्छा अच्छा, यहाँ क्या, यहाँ क्यों, मतलब कबड्डी खेलने के लिए? हाँ, संडे था ना इसीलिए। ओह, स्कूल छुट्टी है क्या आज? हाँ, स्कूल कोचिंग दे दो। आपका नाम क्या है भाई? आदित्य कुमार। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 5 क्लास। अच्छा, यहाँ आप लोग फ्रेंड्स हैं ये लोग? हाँ, सब एक ही जगह कर रहे हो? हाँ, सब एक ही जगह पर रहते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग कहाँ, कौन से क्लास क्लास में पढ़ते हैं आप? हम 5 क्लास में। 5, अभी 5 में, अभी 5 क्लास 7 में। वो तुम्हारा दोस्त? 4। वो चला गया उधर, भैया का, भैया के साथ है ना? तो भैया कबड्डी आप लोग देखिए, बहुत बढ़िया लग रहा था, बहुत बढ़िया खेले आप लोग कबड्डी। खेले खेले, इंजॉय कीजिए। ओके 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 फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय 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 बाय। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखें, कुछ बच्चे लोग मिले, कुछ क्वेश्चन पूछे और देखते हैं आगे जाकर, और आगे का व्यूज़ आपको दिखा देते हैं। आगे जाते हैं, कुछ बच्चे लोग घूमते हैं, उनसे भी सवाल पूछते हैं, ज़रा देखें क्या बोलते हैं सवाल। हम सवाल और जवाब वो देंगे। अच्छा, हमको सिखा रही है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इको पार्क का सेकंड टनल पार करते हुए इस ओर आना आए हैं, जहाँ बच्चे लोग स्केटिंग सीखते हैं। ये रहा, दोनों साइड पार्क है बच्चे लोग का। रही बात तो बच्चे लोग को, तो ये देखिए आप स्केटिंग सीखते हुए, काफी छोटे छोटे बच्चे लोग आते हैं स्केटिंग सीखने के लिए यार। देख सकते हैं आप मेरे वीडियो में, काफी छोटे छोटे बच्चे लोग भी हैं जो यहाँ सीखते हैं स्केटिंग। हेलो फ्रेंड्स, देख रहे हैं कि आगे, जैसे मैं धीरे धीरे जब कर रहा हूँ, देखिए आगे लोग भी बहुत लोग आते हैं एक्सरसाइज करने, इधर भी बहुत लोग आते हैं। आज फ्रेंड लोग नहीं आया तो उतना भी मन नहीं लग रहा है यार। चलो कोई नहीं, लोग सोने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और हम सुबह उठने पर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये गार्डन, उसके बाद हम आप लोग को आगे भी दिखाते हैं। सात बज गया और ये हम लोग का जेट, मॉडिफाइंग जेट, जैसा कि आपको क्लियर दिखा देता हूँ, ये देख रहे हो जेट। और यहाँ पे लोग आकर बैठ सकते हैं, बैठिए एक्सरसाइज कीजिए।
2000 years later. So friends, मैं अब जा रहा हूँ बाहर, काफी घूम लिया, ये देखिए कितना अच्छा है। So अभी मैं जा रहा हूँ एग्जिट गेट के पास घर, आम निकल रहा हूँ मैं। So friends, आपको घर निकलने से पहले देखो, आप घर निकल रहा हूँ। So friends, आपको मैं बाहर निकलता हूँ, तो वहाँ ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है।